और कार्तिक माह का आज आखिरी दिन रहा, जिसकी वजह से हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं ने सुबह से ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान कर देव दीपावली भी मनाई जाती है, जिसे काफी शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से 1000 बार किए गए गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। इसी दिन इसलिए हरिद्वार, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में गंगा स्नान के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। मान्यता ऐसी है कि कार्तिक स्नान करने से व्यक्ति कई प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार के लिए जो कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और पिछले वर्षों का भी अनुभव रहा है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी और जनपद हरिद्वार इसके आसपास के भी श्रद्धालु आते हैं। तो कल रात से ही पुलिस प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई थी और हमारी जो सेक्टर और जोनल व्यवस्था है उसको एक्टिवेट किया गया था, और प्रयास ये था कि शांतिपूर्ण ढंग से स्नान पर्व संपन्न हो। सबसे भीड़ की उम्मीद थी, उस हिसाब से देर रात्रि से स्नान प्रारंभ हो गया है। और चूंकि आज जो है इसमें जो भीड़ अभी तक अनुमान है सुबह से कि 8 से 9 लाख लोग इसमें स्नान कर चुके हैं, और भीड़ होने के कारण शाम को भी इसमें स्नान इसी तरह करने की उम्मीद है। और मेन फोकस जो हमारा था यातायात व्यवस्था को लेकर था कि जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, तो वो सुचारू रूप से चल रहा है। सारे बैरियर पॉइंट खुले हुए हैं, एंट्री एग्जिट भी इस तरह से बढ़िया चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि देर शाम तक ये आरती तक ही पूरी फिगर क्लियर हो पाएगी, और इसमें जो प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण इसमें सजग हैं और इसमें अच्छे से स्नान चल रहा है।